प्रेम प्रिया, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी कर रही हूँ अपनी बहुत ही प्यारी इस रेड कलर की बनारसी, गोल्डन रेड बनारसी खूबसूरत साड़ी को। और फ्रेंड्स, ये साड़ी मैंने मंगाई है ऑनलाइन। आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी ये साड़ी, और यदि आप जानना चाहते हैं मैंने कहाँ से मंगाई, कितने की मंगाई है, तो मुझे कमेंट डाल जरूर कीजिएगा। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, फेम प्रिया पर। जी हाँ, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ से इन पे के बेसिक स्टेप्स को इस तरीके से यहाँ पर टक कर लिया है, जो कि बहुत इजी है। इसे करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। सिंपली हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर टक कर दिया। यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि उसे अच्छे से फिटिंग नहीं आती है। तो जी हाँ, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, इसके बाद मैं इस तरीके से लपेट के यहाँ बैक में ले आऊंगी। ये देखिए, इसके साथ मैंने रेड कलर के ब्लाउज को ही पेयर किया है, क्योंकि कंट्रास्ट तो हम लोग करते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ में सेम कलर ब्लाउज को पेयर किया जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी खूबसूरत साड़ी है। ये फेस्टिव अप्रोप्रिएट है और आप इसको किसी भी वेडिंग फंक्शन, किसी भी फंक्शन में बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। देखिए, मैं आपको नजदीक से इसका, ये देखिए, मैं आपको जूम करके कैमरे को इसका डिजाइन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये किस तरीके से इसका बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर डिजाइन है। इसके ऊपर ही ये डिजाइन बना हुआ है। अब मैंने यहाँ से इसको पीछे से टक कर लिया है, जो कि बहुत ही ईजी है। अब मैं यहाँ से बस इस तरीके से इसके पल्लू को ले लूंगी। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत इसका पल्लू है। जी हाँ, साइड से मैंने इसकी अभी पीको नहीं कराई है, बिल्कुल फ्रेश साड़ी है ये। ये देखिए, ये इसका पल्लू है, ये देख सकते हैं आप इसका पल्लू। बस मैंने पल्लू को पीछे से इस तरीके से लिया, ये यहाँ पर, जो कि आप सभी करते और बहुत ही आप लोग भी इजिली से कर लेते होंगे। और अब मैं अभी रफली ले रही हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, मैं थोड़ी देर में करके दिखाऊंगी। जस्ट मैं इसको यहाँ पर रफली मैंने ले लिया है, ये यस, इतना मैंने पल्लू को छोड़ दिया है। और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, जो साड़ी यहाँ से आएगी इसको मैंने, ये देखिए, फ्रंट प्लेट्स को बनाने के लिए मैं दिखाती हूँ आपको, फ्रंट प्लेट्स को बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से टक कर लिया है। अब बची हमारी बीच की, ये साड़ी का जो फैब्रिक है, इस तरीके से हम इसको लेंगे और यहाँ से अब हम फ्रंट प्लेट्स बनाना रेडी करेंगे। जी हाँ, देखिए, हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच में, ये देखिए, हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच में रखा मैंने, ऐसे किया और देखिए एक सार बिल्कुल बिल्कुल हमारी फ्रंट प्लेट्स रेडी हो जाएंगी। देखते रहिए आप, ये देखिए, करते जाइए बस इसको आप इक्वल इस तरीके से, और बहुत ही इजी, बातों ही बातों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब फ्रंट प्लेट्स रेडी हो गई हैं। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से। ये देखिए आप, यहाँ तक हमने इसको ऐसे मोड़ा था और यहाँ तक हमने फ्रंट प्लेट्स बना लिए। जस्ट बस इसको हम, खास बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पहले वाली फ्रंट प्लेट है वो आपकी भी थोड़ा ब्रॉड होनी चाहिए। यस, ये देखिए, जैसे कि मैंने बनाई है, सबको हम इस तरीके से यहाँ पर इक्वल करेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ सेट किया, देखें आप खुद ही कि कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। यहाँ से ये सेट हो चुकी हैं प्लेट्स, आप चाहें तो इसमें पिन भी लगा सकती हैं। और इधर से भी बस मैंने इनको इस तरीके से सेट कर लिया है। जी हाँ, फ्रंट प्लेट्स को नीचे से देखिए सेट तो करना ही होगा, थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। और बस हाथ से ही प्रेस कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा झंझट और टेंशन में पड़ने की। ऐसे बस हमने किया है और ये रहा हमारा पल्लू, बहुत ही प्यारा खूबसूरत पल्लू है। यस, पल्लू है ये। यहाँ मैं इसको एक पिन से सिक्योर कर लूँगी, अभी तो मैं आपको ऐसे ही करके रख ली दिखा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, ये है मेरा लुक बिल्कुल रेडी। ये देखिए आप, मैंने बना ली है फ्रंट प्लीज और शोल्डर पर मैंने ओपन पल्लू रखा है, आप देख सकते हैं। ये है इसका खूबसूरत सा
देखिए आप ये इसका कितना प्यारा पल्लू डिजाइन है, ये देखिए ऊपर से मैंने यहाँ से फ्री हैंड कर लिया है। आप जिस तरीका का ब्लाउज पैनल्स के हिसाब से आप सिक्योर कर सकती हैं अपनी प्लेट्स को या ओपन पल्लू को भी। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा चल के दिखा देती हूँ, इस तरीके से ये इसका पल्लू आ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लुक है, ये है इसका बैक लुक और ये है फ्रंट लुक। बताइएगा आप कैसी लगी आपको ये साड़ी, और यदि आप लिंक चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन मुझे कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको ये साड़ी अच्छी लगी हो। यदि आपको इसका फैब्रिक और डिजाइन पसंद आया हो, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए ये है फाइनल लुक, मुझे ना बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी। और हाँ, आप इस साड़ी को, अभी नवरात्रि आने वाले हैं और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, आप उसको इसमें बहुत अच्छे तरीके से पहन सकते हैं, वेडिंग फंक्शन में पहन सकते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में तो पहन ही सकते हैं, गोल्डन ब्लाउज के साथ पेयर कर सकती हैं। एक्चुअली गोल्डन ब्लाउज के साथ तो हम हमेशा ही पेयर करते रहते हैं, तो मैंने इस बार इसको अलग कलर के, लगभग सेम कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है। आप इसके साथ गजरा लगा सकती हैं, किसी भी तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकती हैं। मैंने इसको इस तरीके से अपने स्टाइल में किया है क्योंकि मेरा ऐसा ही लुक करने का मन था। तो जरूर से यदि आप इस साड़ी को मंगाएं और इसके साथ अपना लुक करें तो मुझे इंस्टाग्राम पर या FB पर अपनी फोटो को टैग करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी फोटो को आप टैग कीजिए इस तरीके से स्टाइल में। यस, यदि आप इसके पल्ले को फ्रंट साइड पे लाना चाहती हैं, यदि आप इसके पल्ले को फ्रंट साइड पे लाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं पल्ले को फ्रंट साइड पे लूं, तो आप इसके लिए सीधा पल्लू भी कर सकती हैं। यस, आप इसको बस इस तरीके से यहाँ पे खोलिए, ये देखिए इस, जैसे कि मैंने पहले ही प्लेट्स पर, ये देखिए किस तरीके से मैं इसके प्लेट्स को बना रही हूँ हाथ के और इसके बीच में रख कर। यस, ये बन गई है प्लेट्स, आप भी बहुत इजीली बना लेंगी जब दो चार बार प्रैक्टिस करेंगी। ये देखिए ऐसे मैंने ये बनाई है प्लेट्स, इसको मैंने किया प्रेस और मैं बस इसको यहाँ पे अटैच कर ली, वो पेंसिल अटैच कर लिया है और बस देखिए साइड से थोड़ा सा हम इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। और देखिए आप ये इसका यहाँ पर प्रिंट, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसकी इन सब चीजों को भी कट नहीं किया है, ना ही मैंने इसकी पिको कराई, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसके धागे आ रहे हैं, तो प्लीज इग्नोर करें। अब देखिए ये देखिए कितनी प्यारी इसकी पेड़ सो पल्ला एकदम हमारा आ गया। अब मैं बस जस्ट इसको यहाँ से लूंगी और यहाँ पर अपने बैक में मैं इसको यहाँ पर अटैच कर लूंगी। आप चाहें तो इसको लंबा भी ले सकती हैं, आप चाहे तो लंबा लेके उसे यहाँ तक ला सकती हैं, लेकिन मुझे इतना ही अच्छा लगता है तो मैं इसको बस इतना ही रखूंगी। बस बिल्कुल रेडी है, मुझे तो ये लुक पर्सनली काफी अच्छा लगता है, आप बताइएगा आपको कैसा लगता है ये लुक। ये देखें, ये मेरा सेकंड लुक रेडी है। आप इस पल्ले की जो ऊंचाई है ये नीचाई है यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप ऊंचा नीचा रख सकते हैं, देख सकते हैं आप, दिस इज माई फाइनल लुक। गाइस कैसे लगे आपको मेरे ये दोनों लुक, तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर से जरूर से कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसी ही मैं और बहुत सारी साड़ियां आपके लिए लेकर आऊंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स।